हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह अभी मैं योगा कर रही हूँ और साथ के साथ अभी सुबह ऑनलाइन अपना क्लास भी ले रही हूँ, जो मैं हर वीक 3 बार लेती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलना, अपने स्टूडेंट्स को सिखाना। अगर आप भी एनरोल करना चाहते हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो या सुबह सुबह वर्कआउट करके योगा करके मन खुश हो जाता है। बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से दिन स्टार्ट होता है। सुबह ही योगा कर लिया, नहीं आज जिम नहीं जाऊंगी। इनफैक्ट आज सब काम सुबह करना है, क्योंकि शाम को मुझे नोएडा जाना है। वन ऑफ माई वेरी क्लोज यूट्यूब फ्रेंड, उसकी बर्थडे पार्टी है और मैं एक्चुअली उसकी शादी मैं मिस कर गई थी बिकॉज ऑफ सम रीज़न। बट उसकी फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन है ससुराल में, और उसने बहुत प्यार से मुझे बुलाया और मैं मना नहीं कर पाई। और मेरी अच्छी दोस्त है वर्तिका, सो मैं आफ्टरनून को 4-5 बजे निकलूँगी नोएडा के लिए, क्योंकि बहुत दूर है और टाइम लग जाएगा। तो इसी वजह से सुबह सुबह सब काम निपटाना है, तो इसीलिए काफ़ी प्रोडक्टिव होना पड़ेगा मुझे, अपने काम का, घर का सब कुछ देखना पड़ेगा। एंड हम औरतों को ना सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, घर का, अपने ऑफिस का, वर्क का, परिवार का, फ्रेंड्स का, सोशलाइजेशन का। वी आर मल्टीटास्किंग एक्सपर्ट, है ना? अगर आपको ऐसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम औरतें ना वी लिव ऑन द एज। मल्टीटास्किंग इतनी ज़्यादा परफेक्शन हो गई हम सब की कि वी आर कॉन्स्टेंटली ऑन द एज। ओके, फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, क्योंकि जितना भी आप बिजी रहे वर्कआउट ब्रेकफास्ट आपको ज़रूर करना चाहिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद चाय ज़रूरी है, मुझे दिन के 1 कप चाय चाहिए। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, इससे एकदम तंदुरुस्ती मिल जाती है, सारा काम करने का एनर्जी मिल जाता है मेरे को। अब मैं बैठी हूँ काम करने। आज मुझे कुछ वीडियोस एडिट करके ब्रांड को देना है और उसमें मुझे काफ़ी टाइम लगेगा, तो समय बर्बाद ना करके इस पर लग जाते हैं। हम इतना काम काज में बिज़ी हो जाते हैं कि कभी कभार आई नो वी कैन फील टायर्ड, फटीग, बिकॉज ऑफ सो मच वर्क एंड स्ट्रेस। मोस्टली औरतें जो अबव 30s होती है ना, मैं रेकमेंड करूँगी एज ए न्यूट्रिशनिस्ट एटलीस्ट साल में एक बार आप अपना रूटीन ब्लड चेकअप ज़रूर करवाइएगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि हमें पता चलता है कि बॉडी में प्रॉब्लम क्या है, डेफिशिएंसीज क्या है, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो है नहीं, ब्लड शुगर लेवल्स क्या है, PCOD, थायराइड, ये सब हमें पता रहता है। एंड ये ज़रूरी है करना, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी न्यूट्रिशन बनती है, आपकी सप्लीमेंटेशन बनती है अगर आपको चाहिए। क्योंकि देखो ऑनेस्टली, काम तो किसी की भी ख़त्म कभी नहीं होने वाली है। जैसे कि एक सिंपल थिंग है, किचन का स्लैब, आप जितनी बार कुछ बनाओ, चाहे चाय ही क्यों ना बनाओ, आपको बार बार उसको साफ़ करना होता है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। सो इन सब के बीच ही हमें अपना ख्याल रखना होगा। सो रिसेंटली आई केम अक्रॉस अ नेचुरल सप्लीमेंट जो एनर्जी बूस्टर की तरह काम करती है। इट इज़ फ्रॉम ईजी लाइफ। इसमें 5 नेचुरल हर्ब्स है, स्पिरुलिना, अश्वगंधा, गोक्षुरा, ग्रेप सीड एंड मोरिंगा। ये बेसिकली आपके बॉडी में जो भी थकान होती है उसको दूर करती है, आपकी बॉडी को थ्रू आउट द डे एनर्जेटिक और एक्टिव रखती है। इसके अंदर जो स्पिरुलिना है ना, वो आपकी बॉडी में विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स का ख्याल रखता है एंड आपके माइंड को अलर्ट रखता है, आपकी काम पे कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव करता है, इंटरनल स्ट्रेंथ देता है, आपकी मेंटल हेल्थ सही रहेगी तो स्ट्रेस भी दूर रहेगी। आप दिन में इसको एक बार कंज्यूम कर सकते हैं इफ़ यू फील स्ट्रेस, टायर्ड एंड फटीग थ्रू आउट द डे। एकदम नेचुरल है, कोई सिंथेटिक नहीं है इसमें लाइक अदर ब्रांड्स। और इसमें जो स्पिरुलिना यूज़ होता है वो इस प्रोडक्ट की की इंग्रेडिएंट है, क्योंकि सुनोवा इसको खुद अपने पॉन्ड में तैयार करता है पिछले 25 सालों से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहें तो एक बार जाके चेक कर सकते हो। ओके, सो इट्स ऑलमोस्ट 2:10, इट्स टाइम फॉर माई लंच। आई हैव माई लंच रेडी हियर। आई हैव मल्टीग्रेन रोटी, सम सैलड, पम्पकिन की सब्जी है या पर थोड़ी सी चिकन है, बट क्योंकि गर्मी है मुझे मन कर रहा है दही खाने का। थोड़ी देर बाद खाऊंगी, लंच खाने के बाद, बट सेट कर दूँ पहले। तो यहाँ पर मेरे पास दही है, दही लिया है। आज तुम्हारी बहन को मन कर रहा है थोड़ा बूंदी रायता खाने का, तो आई एम गोइंग टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ बूंदी हियर, बिकॉज आई एम क्रेविंग फॉर समथिंग क्रंची, यू नो। नाउ टेक अ लिटिल बिट ऑफ इट। नाउ हियर इज अ प्रो टिप, ठीक है?
बूंदी रायता प्लीज अवॉइड इट इफ यू आर ऑन अ वेट लॉस जर्नी, आपको वेट लूज करना है या फिर आपका वेट स्टक हो रहा है, तो बूंदी रायता वैसे हेल्दी नहीं होता है। आप नॉर्मल कर लीजिए, बटर मिल्क लीजिए अपने डाइट में डेफिनेटली, और उसमें आप रायता बनाना है तो कुछ यू नो सब्जी डाल सकते हो, लाइक कैरेट डाल सकते हो, अनियन डाल सकते हो, लौकी डाल सकते हो, और अवॉइड बूंदी क्योंकि ये फ्राइड होता है तो इससे कैलोरी बहुत बढ़ जाती है। और इसके ऊपर रोस्टेड जीरा पाउडर ऐड कर दूंगी, जस्ट गोइंग टू मिक्स इट अप एंड कीप इट लाइक दिस। पहले मैं अपना लंच प्लेट खत्म करूंगी, उसके बाद थोड़ा सा रायता। मैं आपको रिकमेंड करूंगी गर्मियों के मौसम में, स्पेसिफिकली गर्मियों के मौसम में डेली कोशिश कीजिए बटर मिल्क, घर पे जो दही है ना उसकी बटर मिल्क बना के इंक्लूड कीजिए। अगर डाइजेशन का प्रॉब्लम है, अगर वेट लॉस करना है, बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा। आजकल हम सब में डेफिशिएंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, जैसे विटामिन डी, B12, आयरन बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो इसी वजह से मैं हमेशा कहती हूँ कि एक हेल्थ चेकअप करवा लो और फिर डॉक्टर से मिल लो और देख लो कि क्या प्रॉब्लम है, इसका कुछ आप सप्लीमेंटेशन या डाइट क्या ले सकते हो, या आप और अगर आपको डाइट एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली मदद कर सकती हूँ मेरे वेट लॉस डाइट प्रोग्राम्स पे लेके। ओके, तो अभी मैं चल रही हूँ मार्केट अपना सब काम काज करके, क्योंकि जैसे बोला शाम को अपने फ्रेंड के घर जाऊंगी मैं नोएडा, उसकी बर्थडे पार्टी अटेंड करने। हम सबको अपने कामकाज के साथ साथ सोशलाइजेशन का भी ध्यान रखना चाहिए, सो यस लाइक आई सेड वी हैव टू मैनेज इट ऑल। सो अभी 3:30 बज रहा है, आई जस्ट गो क्विकली गेट इट, 4:30-5 बजे तक मैं निकल जाऊंगी। तो यहाँ पर मैं कुछ फूल लेने आई हूँ, तो मुझे ये वाला बुके पसंद आया तो मैंने ये ले लिया। अब मैं नोएडा के लिए कैब करूंगी, बट उससे पहले तैयार होना है। यहाँ से इट्स ऑलमोस्ट 50-60 किलोमीटर्स फार फ्रॉम गुड़गांव, सो आई एम रेडी नाउ। और ये आउटफिट मैं पहन रही हूँ, आई गॉट दिस ब्यूटीफुल बुके। मैं कैसी लग रही हूँ उस आउटफिट में ज़रूर कमेंट करके मुझे नीचे बताना। चलो अब नोएडा के लिए निकलते हैं, मेरी कैब आ गई है एंड या इट्स गोइंग टू बी अ 1.5-2 घंटे का राइड। ऑल राइट, तो ETA है 2 आवर्स, क्योंकि अभी शाम को थोड़ी ट्रैफिक भी मिलेगी गुड़गांव से। सो यस, मैं अभी निकल गई हूँ 5 बजे यहाँ से, 7:30 बजे पहुँचूंगी। तो बेसिकली मैंने बहुत बहुत इन्जॉय किया, सब फ्रेंड से मिली, उसके फ्रेंड से, घर वालों के साइड से, मतलब मायके वाले के साइड से, उनके ससुराल वाले के साइड से, काफ़ी कूल लोग थे। पूरी रात अच्छी खासी पार्टी चली सबकी, और खाना भी उन्होंने घर पे बहुत अच्छा अरेंज किया था, काफ़ी डांस शांत भी किया जैसे कि आप व्लॉग में देख ही रहे हो। सो दिस वॉज इट, आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहाँ पर एंड, मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।